प्रदेश सहित खरगोन जिले में भी सहकारिता क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपनी मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी प्राथमिक मांगों को लेकर तकरीबन 12 वर्षों से सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में मांग पूरी न होने की दशा में कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बनाया है। इस दौरान संघ के किशोर रघुवंशी ने आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सब सोसाइटी कर्मचारी, हाँ ठीक है सर। प्रदेश समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा है। उसके क्रम में आज से सभी जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल विषय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की उचित एवं न्यायोचित मांगों को शीघ्र आदेश प्रसारित करने विषय संदर्भ महासंघ के पूर्व ज्ञापन Q47। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।